कल था न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान का थर्ड T20, जिसको न्यूजीलैंड ने जीत लिया, लेकिन इफ्ती चाचा ने भाई दिल जीत लिया। आई एम बिल्कुल सॉरी, मैंने भी उनको चाचा बोल दिया। अब उनके खुद के बच्चे उनको चाचा बोल रहे, तो शायद हम भी बोल ही सकते हैं। लेकिन उनकी जो इनिंग्स थी भाई, नेक्स्ट लेवल थी। क्या इनिंग्स थी, 60 रन, 24 बॉल्स में 6 छक्के, 3 चौके की मदद से भाई। मतलब छक्के चौके से ज़्यादा है, समझ रहा है, हाँ, मतलब पावर देख रहा उनकी। तो पावर हिटर। इसी बारे में क्रिकम आईडी का एपिसोड होने वाला है, एंड तक देखना। हियर वी गो। उफ, क्या ही कोई थ्रिलर मैच हुआ है यार। मतलब मेरा इफ्ती बॉय जो है वो बहुत एंड तक थ्रिलर लगा था, रहा है, उसी ने पूरी बिल्कुल गेम बनाई थी यार। मजा आ रहा था। देखो पहले जब हम हार रहे थे ना, तो हम हार रहे थे, हम चुप करके हार ही रहे थे, लेकिन एंड में जब इफ्तिखार ने और फहीम ने जो इस सीजन की बेहतरीन इनिंग्स खेल ली थी, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उम्मीद हो गई थी कि यार अब मैच जीत ही जाए। वैसे भी इस किस्म की जब इनिंग्स खेलते हैं ना कोई, तो बंदे को होता है कि यार कम से कम अब ये रिकॉर्ड में तो आना चाहिए कि इफ्तिखार ने कहाँ से उठा के मुझे जिता दिया था। अब लोग भूल जाएंगे, वैसे भी ये हमारे भाई लोग तो भूल लड़के आ जाते रहे हैं, हैं, जब इफ्तिखार वैसे सही भी है। ग्राउंड के अंदर आया था तो स्पेशल मेंशन, तालियां होनी चाहिए लाहौर के क्राउड के लिए, जो कि फिर से चाचू चाचू के नारे लगा रहे थे। बहुत ज़बरदस्त काम करते हो तुम लोग। मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर की भी कमी है, आई नो क्रिएटिविटी की भी कमी है, तो कुछ नहीं होता। अभी ये अगर मैच जीत भी जाते हैं ना, ये अगर जिता भी देता हमें, तो अगली दफ़ा फिर जो है इनको दिमाग में फ़ौरन ही फ़ौरन वो जो मस्ती चढ़ जाती है ना कि ओहो अच्छा हमें तो जो याद आ गया इसको से चाचू कहने हमने, तो वो वही करेंगे, इसी तरह बुली करते रहते हैं। आखिर कोई बात नहीं, हमारी कौम इसी हमने तरह भी ही कर है। उस बंदे ने दिया। हमें अब तो ऑब्वियसली आके खुद खुद बोलना शुरू कर दिया कि मुझे मत बोलो मत बोलो, लेकिन फिर भी पूरा क्राउड बोल रहा था। उन सबके मुंह के ऊपर चमाट मार दिए थे उसने, जो पहले 2-4 छक्के मारे थे, उसी से सब चुप भी हो गए थे। फिर उसके बाद चाचू चाचू की कोई हमें नारों की आवाज नहीं आ रही थी। खैर कौम इसी तरह की यार, इसमें गिले शिकवा नहीं है। कोई वजह है कि हम लोग जो है वो किस किस्म के लोगों को वोट डाल रहे होते हैं और किस किस्म के हमारे ऊपर हुक्मरान भी आ रहे होते हैं, तो वो अक्कासी है, हमारी ही अक्कासी है जिस तरह भी हम चलते हैं। खैर पॉइंट ये कि इफ्तिखार ने बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स खेल दी यार। और सबसे बड़ी बात जो मैं करना चाहूंगा वो ये करना चाहूंगा कि बेहतरीन कप्तानी बाबर आजम की तरफ से, ये कब हुआ हमारे ये क्रिकेट में, ये कब प्रूव हो गया था कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो एक बैटर है। मतलब PSL के अंदर आके 2-4 फुलझड़ियां अगर उन्होंने उड़ा दी हैं, आई नो कि आप यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मशहूर हो जाए तो फिर आप हर चीज़ में ही आ सकते हैं। आप नाते भी पढ़ सकते हैं, आप सातवें नंबर पे न्यूज़ भी पढ़ इफ्तिखार से सकते हैं, पहले जो आपका बैटिंग दिल करने आ करे रहे जो थे। आप करें लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि क्रिकेट के अंदर भी आप बॉलर खेल रहे हैं और आप बैटर भी अब बन चुके हैं, तो वो भी और दूसरा शादाब साहब भी। ये हमारी ये हाथ जोड़कर विनती है दोस्तों कि ये दोनों आपके जो हैं वो बैटर्स नहीं हैं। जब चल गए तो चल गए, नहीं चले तो वो चाइना वाला होता है ना, चल गया तो शाम तक, नहीं तो चांद तक। तो आई नो कि यार ये दोस्तियां चल रही होती हैं हमारी टीम में। बाबर के लिए स्पेशल मेंशन, स्पेशल तालियां भी देना चाहूंगा, बेहतरीन कप्तानी करते हैं। वैसे बाद में ये भी कह रहे हैं कि नहीं यार वो पीछे भी आके तो आगे खेलते, पीछे एंड में कुछ और होती जब आप टेल के साथ खेल रहे होते हैं, वही हुआ। इधर ही एक स्पेशल मेंशन करना चाहेंगे नसीम शाह के लिए भी, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली हमें ये मैच हराया है, और वो इसीलिए क्योंकि उन्हें हीरो बनना था। वो जो अफगानिस्तान वाला मैच था जिसकी अभी तक वो खुमार से निकल ही नहीं रहे हैं। हमें पिछले भी 2-4 एपिसोड्स पहले इसी बारे में बात की थी, जो मैच हुआ था हमारा अफगानिस्तान के साथ, उसके अंदर भी जो बगैर हेलमेट के आए थे और जिस तरह की ये वाइल्ड स्विंगे कर रहे थे, वही वाला मैच खेलना चाह रहे थे जो इन्होंने पहले भी खेला था। तो वो ये भी दोबारा ने दिखाने की कोशिश की, सबसे क्रूशल 3 बॉल्स के ऊपर 3 छक्के मारने के चक्कर में ये आउट हो गए। कोई मैच अवेयरनेस नाम की चीज नहीं है, सॉरी आउट भी नहीं हुए, बॉलें ही जाया कर दी। मतलब इससे बेहतर था कि आउट हो जाते, छक्के मारते हुए कनेक्ट होती और बाउंड्री के ऊपर होता, तो फिर भी बंदा कहता चलो यार कोशिश की थी हीरो बनने की, अभी भी हीरो बने, कुछ किया भी नहीं भाई। दूसरे एंड के ऊपर इतनी बेहतरीन फॉर्म के अंदर इफ्तिखार खड़ा हुआ है, फिर भी सिंगल लेके आपने उसको नहीं आने देना, आपने खुद ही मारने के, मैं इसी ओवर के अंदर खत्म करूंगा छक्के मार के, वही बस वो पुराने हाई के अंदर है। इनको भी सही थोड़ा है। मेरा ख्याल में एहसान को मेरे ख्याल में टीम में आ जाना चाहिए, ताकि हमारे लोग जो ना ये मेच्योरिटी जो है और जो मैच अवेयरनेस है ये हमारे प्लेयर्स को तब आती है जब वो रिटायर हो जाते हैं। तो हमें मेरा भाई क्रिकेट का मैं कहूँगा रूल ही यही होता है खेलने का, कि अगर कोई बैट्समैन जो है पहले से जमा हुआ है क्रीज पर, तो जो नया बैट्समैन आया उसको सिंगल लेके सामने वाले को ही चांस देना चाहिए, खुद मारने की कोशिश नहीं करना चाहिए। वो खुद मारने की कोशिश तभी करेंगे जब बॉल बहुत कम बची हो और रन काफ़ी ज़्यादा हो। हाँ। लेकिन वहाँ पे इफ्तिखार अहमद और फहीम अशरफ काफ़ी कवर कर लिया था और वो आराम से जीत सकते थे, क्योंकि मैंने देखा था 10 बॉल में 15 रन चाहिए थे, लेकिन हाँ। हार गई पाकिस्तान, तो स्ट्राइक में आके हाँ देना बहुत ज़रूरी था। सही है, चलो आगे देखते हैं। हमें 40 साल के बाद ही बच्चों को लेना चाहिए टीम के अंदर। जो भी इफ्तिखार भाई ने मेरे ख्याल में इसी चीज़ को माइंड कर लिया था कि उनको 8वें 9वें नंबर के ऊपर भेज रहे हैं, तो उन्होंने उसी का जो सारा गुस्सा था वो फिर न्यूजीलैंड के मासूम जो बॉलर थे नीशम के ऊपर सारा निकाल दिया, उसके ऊपर मारा। यहीं एक स्पेशल मेंशन फहीम को भी करना चाहिए जिसने बहुत ही खूबसूरत इनिंग्स खेली है। बहुत ही बेहतरीन किस्म की इनकी पार्टनरशिप थी, जो कि आपस में खेल रहे थे, किसी एक पे प्रेशर नहीं बनने दे रहा था। अगर दूसरे एंड पे एक आ रहा था तो वो भी छक्के मार रहा था और ये भी मार रहा था, क्योंकि जरूरत ही यही थी। खैर फहीम तो वैसे भी आजकल टॉप जी बने हुए हैं, तो उन्होंने तो परफॉर्म करना ही था, लेकिन
दुख हुआ यार एंड में, अगर हम जीत जाते ना तो एक और बात होती, वो नहीं हो सका तो थोड़ा सा दुख तो हुआ। खैर बॉलिंग की अगर बात करें तो हमने स्कोर को इतना ज्यादा तो नहीं खाया था, लेकिन फिर भी हमारे लिए काफी होता है। हमारे बाबर और रिजवान जो है वो आधी टीम होते हैं, आज वो आउट हो गए तो फिर वही हुआ कि हम फिर ऑल आउट हुए हैं। जैसे कि मैंने पहली वीडियो के अंदर भी कहा था कि हम बाबर रिजवान ना चले तो हम ऑल आउट होते थे, हमसे 20 ओवर खेलने वाला भी हमारे अंदर जोर ही नहीं। और ये भी अभी इफ्तिखार ने बड़ी ब्रिलियंस दिखाई है, फहीम ने ब्रिलियंस दिखाई, नहीं तो हम 16वें ओवर में ऑल आउट होने लगे थे। हमारे प्लेयर्स का मूड ही खराब होता था जब बाबर आउट हो जाते तो फिर ये कहते हैं ये क्या बात हुई, उसका तो दोबारा लो तो हम भी नहीं खेलते। 40 ओवर में 4 आउट हो गए थे, 5-50 के ऊपर आउट हो गए थे। मैडी भी जो है उन्होंने भी आकर जो है कुछ नहीं किया। और लेकिन बात यही कि शाहीन को और शादाब और मैडी इन सबको इफ्तिखार से ऊपर भेजने की तुक नहीं बनती थी। अगर वो खड़ा हुआ होता वहां पर शॉट्स खेल रहा होता तो दूसरे एंड के ऊपर वैसे ही प्रेशर ना होता, सिर्फ रोटेट ही करते रहते तो बेहतर हो सकता था। लेकिन नहीं, खैर उनको बेहतर पता होगा कि किस तरह बैटिंग करनी है, हमें क्या पता इन चीजों के बारे में। फखर भाई ने एक दफा फिर स्ट्रगलिंग किस्म की इनिंग्स खेली, उन्होंने रन आउट भी कराया था रिजवान को और उसके बाद उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेकर एक बेहतरीन ओडीआई की इनिंग्स खेली जिसके अंदर स्ट्राइक रेट तो जाए भाड़ में, ऊपर से आउट भी हो गए। खैर आफरीदी जो है पहले ओवर के अंदर अगर आउट ना करे तो दूसरे ओवर के अंदर आउट कर लेता है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि यार इसको क्यों नहीं दे रहे। मैं पहले भी इतनी दफा मेंशन कर चुका हूं कि इसको ऑन द ट्रॉट 3 ओवर्स तो कराएं कम से कम यार, अगर बॉल जो है स्विंग हो रही होती, इसको असिस्टेंस भी मिल रही होती, अगर उसे वैसे ही नहीं खेला जा रहा होता। क्योंकि सेकंड स्पेल में तो जब भी आया मैंने तो अक्सर इसको कुट खाते हुए ही देखा। आई डोंट नो आप लोगों ने नोट किया कि नहीं किया, लेकिन जब बॉल थोड़ी पुरानी हो जाती तो उसके बाद कोई इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस भी नहीं होती। आज भी छक्के छक्के खा ही रहे थे, आउट हुए, लेकिन वो भी बड़ी ही बुरी बॉल थी और उसके ऊपर भी बैट्समैन की गलती थी जिसकी वजह से आउट हुआ था। खैर वो हर फन मौला बने में बैटिंग में भी ऊपर आए थे तो उसके अंदर भी जब LBW हुए तो फौरन उन्होंने रिव्यू ले लिया। तो हमने कहा यार इतनी जल्दी मतलब रन भी अगले वाले जो उधर दूसरे एंड पे खड़ा था उससे बात ही नहीं की और रिव्यू उनको पता था क्या। हमने कहा चलो इनसाइड एज वगैरह होगी तो कुछ भी नहीं था। और फिर बाद में भी खड़े रहे, बहुत नाराज हो रहे थे कि भाई ये मेरा LBW गलत दे दिए, थर्ड अंपायर से भी नाराज हो गए थे। बट जो भी हो मुझे तो सारा कमाल से क्लाइंट स्टार्क साहब का लगता है जिन्होंने अपनी जो नोटबुक होती पता नहीं इसके अंदर क्या लिख रहे होते हैं, या तो कोई तावीज वगैरह लिख रहे होते हैं या फिर सब जो है उन्होंने सारी टेक्निक तावीज जो है वो हमारे प्लेयर्स के खिलाफ ही बनाए हुए। इनके जो स्पिनर्स हैं उन्होंने पकड़ा हुआ था हमारे बैटर्स को। मुझे तो ये चीज पूछनी है कि इनके अपने दामाद हैं शादाब जो है इस वक्त टीम के अंदर खेल रहे, तो उनके खिलाफ भी क्या प्लान बनाया होगा। किसी का ये टूर्नामेंट हो रहा है ना तो वो है रूफी का। रूफी इस मैच के अंदर फिर से 2 आउट करके चला गया और यार ये इसकी जरा नंबर चेक करें, इकॉनमी चेक करें, एवरेज चेक करें, लाइफ की बेहतरीन फॉर्म लगी हुई है मिस्टर रूफी की। खैर अपना मैच तो बड़ा थ्रिलर हो गया, दूसरी तरफ आईपीएल की भी आज एक और थ्रिलर हुआ जिसके अंदर धोनी की टीम और कोहली की टीम जो है उनका आपस में मुकाबला हुआ था, जो कि धोनी की टीम यानी कि चेन्नई सुपर किंग जो है वो जीत। उधर भी बिल्कुल ये हमारे इफ्ती और फहीम अली की तरह की पार्टनरशिप हुई थी फाफ डुप्लेसी और मैक्सवेल की हुई थी, जिन्होंने मार मार के बुरा हाल किया हुआ था। वो होता ना वो जो एक मीम होता है जिस पर वो तो हम तुमको पाला हूं शंकर, वो वाली हालत हुई भी थी CSK के प्लेयर्स की, क्योंकि ये पहले चेन्नई सुपर किंग के अंदर ही होते थे और अब ये RCB के अंदर हैं और उन्होंने जाके इतना इनको पीटा था, लेकिन फिर भी रह गए। और यार ये इसने कोई शर्ट वर्ट भी उतारी थी तो नीचे ये टैटू निकला इसका जिसके ऊपर मेरा ख्याल फजल लिखा हुआ है। हम कहते हैं कि अल्लाह का फजल है, मेरा ख्याल में उसी के बारे में है, मैं कहता कि वही अल्लाह की ब्लेसिंग्स के बारे में इन्होंने ये टैटू बनवाया हुआ है। खैर आजकल ऑरेंज कैप भी इनके पास आ चुकी है, बेहतरीन फॉर्म लगी हुई IPL के अंदर और मेरा ख्याल में इसकी अभी भी जगह बनती है साउथ अफ्रीकन टीम के अंदर, क्योंकि वहां पर कोई इतना कमाल परफॉर्मेंस तो कर नहीं रही। साउथ अफ्रीका की टीम तो बिल्कुल ही पतली हुई पड़ी है। वैसे जो भी हो यार अगर इंडिया में कोई मतलब कोई इनका कोई सेलिब्रिटी है ना, मतलब 1.5 करोड़ तो देख ही रहे होते, लेकिन जब धोनी आया हुआ होता उसका मैच होता तो 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ के ऊपर नंबर चला जाता है। फिर जो है कोई 2.4 करोड़ के ऊपर गया हुआ था जियो के ऊपर नंबर था, तो खाली डिजिटल का नंबर है। मुझे लगता है कि ये बंदा रिटायरमेंट के बाद और ज्यादा फेमस हो चुका है, क्योंकि रियलाइजेशन हो जाती है ना जब बंदे की कमी महसूस होती है तो तभी उसकी कदर आती है। मुंबई और KKR का मैच हुआ था जिसके अंदर आयर ने जो है वो सेंचुरी भी मारी और दूसरी तरफ हमारे जो दोस्त थे ईशन किशन उन्होंने भी 50 मारी थी, लेकिन मैच के अंदर फड्डा भी हो गया यार। ये राणा साहब जो है हम उनके कप्तान हैं और ऋतिक भी आ गए हैं, शाहरुख खान भी आए हुए हैं, अक्षय कुमार भी इंग्लैंड के लिए खेल रहा था, तो ये सारे अब उस तरह के आना शुरू हो गए। मेरे ख्याल में वो जनरेशन है ना वो जो 90s के पेरेंट्स थे उनके बच्चे जो है वो आ गए, तो मेरे ख्याल में और भी मिलेंगे इन्हीं सेलिब्रिटीज के नाम के ऊपर। खैर जो भी हो उनकी आपस में गाल गलोच होगी, मां बहन तक पहुंच गए। और ये अर्जुन तेंदुलकर ने भी डेब्यू कर लिया है, तो मैंने तो नहीं देखा कि किसी की बॉलिंग करा रहा है, लेकिन पेस को देख के लग रहा है कि वही लॉन्ग रनअप वाले स्पिनर है ये भी। लेकिन यही होता है अब्बू के नाम के ऊपर इतना तो बनता है कि कम से कम IPL के अंदर खेल लें और क्या चाहिए। खैर गुजरात का और राजस्थान रॉयल्स का भी मैच हुआ था जिसके अंदर मेरी पांडू की जो टीम थी वो हार गई है, लेकिन वही हुआ कि आखिर के अंदर आके कुट खा रहे थे और आखिरी 10 ओवरों में मेरा ख्याल में जितने उनको रन पड़े बेहतरीन किस्म का कम बैक हुआ। हमें पहले 10 ओवर के अंदर 50 रन थे कितने थे और 178 चेस कर रहे थे और फिर अगले 10 ओवर उन्होंने कर भी लिया, लेकिन मेरा पांडू जो है उसने अपना वो उसी तरह काम रहा है, उसने बिल्कुल भी कोई
पैनिक शैनिक नहीं किया और बड़ी आसानी से तस्लीम किए हार को। खैर मोमेंट ऑफ द मैच जो था ना वो ये था जिसके अंदर तीन बंदे एक ही बॉल के पीछे जा रहे थे, वो जो हमारा रिकॉर्ड था ना दो बंदों वाला उनके बीच में जो गिरती थी जो कि दो तीन दफा हम कर चुके थे, इन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ दिए। इनके तीन बंदे गए और फिर भी आपस में टकरे शकरे खाई और फिर चौथे ने पकड़ी, मतलब चार बंदे बॉल के पीछे जा रहे थे। बैटन भी यार कितना बदकिस्मत था मासूम जिसको मतलब तीन बंदों से वो छूट गया था और फिर भी वो आउट हो गया, चौथे बंदे ने पकड़ लिया। कुछ और खबरें भी थी कि जो बांग्लादेशी प्रीमियर लीग की जो चार टाइम्स विनर टीम है उनकी जो ओनर है उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है मैडम पीएसएल के अंदर कोई टीम खरीदने का, और मैं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट क्योंकि मैं वैसे भी जाना ये जो खवातीन होती हैं जो कि अमीर भी होती हैं और पावरफुल भी होती हैं, आई हैव अ स्पेशल थिंग फॉर देम। तो ये टीम लेंगे कि पत्री फैसलाबाद लेती है इस साल को, जो भी टीम आ रही है हमारी पीएसएल के अंदर हमें दो और टीमें आ रही हैं, अगर ये कोई टीम ले रही होंगी तो मैं तो कंफर्म उसी को ही सपोर्ट कर रहा भाई। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक बटन को छूने, पिछली वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि भाई थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर लिया, अगर उसे देख रहे हो तो 60% वाम देख के जो निकल जाती है सब्सक्राइब के बटन दबाइए, तो तुम लोग दबाने शुरू किए हैं, जो बाकी रह गए भाई आप लोग भी दबा दें। चलो भाई वीडियो इधर ही एंड होता है, सबसे पहले बात कर लेते पाकिस्तान न्यूजीलैंड के थर्ड मैच की। तो यही कहेंगे कि पहले पाकिस्तान मैच हार रहा था, फिर पाकिस्तान मैच जीत रहा था और फिर एंड में जीता हुआ मैच हार गए। बिल्कुल यही हुआ है, और पाकिस्तान ने बैटिंग इतनी अच्छी नहीं की, बॉलिंग तो अच्छी करी थी, इतना ज़्यादा स्कोर न्यूजीलैंड को करने नहीं दिया था, हालांकि पिछले दो मैचों में इससे भी कम स्कोर पे न्यूजीलैंड को रोक दिया था उन्होंने, लेकिन वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे। वो जैसे फर्स्ट मैच में जल्दी आउट हो गए, फिर थोड़ा आगे तक खेले सेकेंड मैच में और थर्ड में वो जीत गए। तो लेकिन यहाँ भी अगर मैं कहूँ बाबर और वो चलते रिजवान तो फिर नहीं जीत पाती न्यूजीलैंड। बिल्कुल यार, इनके लिए बाबर और रिजवान का चलना बहुत ज़रूरी, वो कभी कभार ही हो जाता है कि बाबर और रिजवान आउट हो जाए तो नीचे मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर जाता है, वरना तो ज़्यादातर यही होता है कि बाबर और रिजवान आउट हुए तो मिडिल ऑर्डर भी आउट हो जाता है और फिर ऑल आउट ही हो जाती है टीम, जैसे कि उन्होंने कहा। तो अभी इफ्तिखार अहमद एक ऐसे प्लेयर आए जो मिडिल ऑर्डर को संभाल लेते हैं, हमने दो तीन मैचों में देख लिया और अभी यहाँ पर भी देखा कि सातवें नंबर पे आए, वो सातवें नंबर पे आके उन्होंने संभाला और हिटिंग भी की और इतनी ज़बरदस्त हिटिंग करी कि पूरा मैच ही निकाल के ले गए थे यार, बाकी वो जीता हुआ मैच हार गए बाद में। यही था इस मैच का, और लेकिन यहाँ पर जितनी तारीफ की जाए भाई इफ्तिखार की कम है। बिल्कुल, और हारिस रऊफ की भी नेक्स्ट लेवल फॉर्म चल रही है, उनकी बॉलिंग इस बार विकेट चार नहीं दो थे, लेकिन क्या कमाल का इकोनॉमी था उनका, ज़बरदस्त था सब कुछ। उनकी लाइन और लेंथ जो है भाई बहुत सही जा रही है। बिल्कुल लाइन लेंथ उनकी बहुत सही जा रही है और पेस है उनके पास, तो वो बॉलर को बैट्समैन को बीट कर देते हैं। वही शाहीन शाफरीदी भी ऊपर आके मतलब जल्दी बॉलिंग करते हैं, मतलब पहले दूसरे ओवर में आउट करने में सक्सेस हो ही जाते हैं, तो जैसा कि उन्होंने कहा कि वाकई में तीसरा ओवर भी उनसे कंटिन्यू करा लेना चाहिए क्योंकि नई बॉल रहती है स्विंग होती है तो वो बैट्समैन नहीं खेल पाते, और जैसा कि उन्होंने कहा कि एंड के ओवर में हमने अक्सर देखा कि उनको रन पड़ जाते हैं, तो उनकी बॉल मेरे ख्याल से जब स्विंग होती तभी वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। वैसे उम्मीद यहाँ पर इमाद वसीम से भी काफ़ी थी, लेकिन उनका बल्ला भी नहीं चल रहा है और शायद बॉलिंग तो उनसे करवाई नहीं है। हालांकि इमाद वसीम आईपीएल में अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे थे, लेकिन टीम में आके अभी फिर से उनका फॉर्म बिगड़ गया। मेरे ख्याल से उनको मौका देना चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी एक सीरीज अगर परफॉर्म नहीं कर पाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको बाहर कर दिया जाए। हाँ वो बड़ा प्लेयर है, वो एक्सपीरियंस है उनके पास और वो मुझे लगता है कि कमबैक कर सकते हैं। ऐसा हो जाता है क्योंकि इफ्तिखार का भी फॉर्म इतना अच्छा नहीं चल रहा था, उन्होंने एक बार छः बॉल में छः छक्के वहाब रियाज को मारे थे, उसके बाद उनका फॉर्म गड़बड़ चल रहा था, उनका पीएसएल भी इतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन अभी वापस से वो फॉर्म में आ गए, तो ऐसे प्लेयर्स को टीम में होना ज़रूरी होता है। लेकिन इमाद वसीम का पीएसएल अच्छा गया था ना? इमाद वसीम का पीएसएल तो भाई आउटस्टैंडिंग गया था, लेकिन वो इंटरनेशनल में भी उनका अच्छा नहीं जा रहा है, लेट्स सी। वैसे बहुत फ़र्क होता है नेशनल लीग और इंटरनेशनल मैचेस में, तो वही बात है। बाकी आप बताना आपका क्या कहना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।